बात कर रहा हूं जो मेडिटेशन आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बेनिफिट दे पाए। मटेरियलिस्टिक मतलब आपके सक्सेस में, आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में जो मेडिटेशन बदल रहा है। मैं उस क्योंकि एकदम टॉप लेवल में मैं भी बात नहीं करना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस में आ जाओगे जब आप हमेशा खुश रहने लग जाओगे, लेकिन मैं सिर्फ ये लेवल की बातें कर रहा हूँ, ये लेवल और ये लेवल। हमको इस प्रोसेस में ये लेवल तक पहुंचना है आपके मनोमय कोष और ज्ञान में कोष, सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्म के कर्मों की यादें, बोलते हैं ना पूर्व जन्म के लोगों की यादें आती हैं, तो पूर्व जन्मों के कई जन्मों की यादें यहाँ हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि हमारा साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि अपने शरीर के हर ऑर्गन 6 महीने में नए बनते, 6 महीने से 6 साल में नया जनरेशन होता है, क्योंकि रोज लाखों सेल्स बनते हैं और लाखों सेल्स डेड होते हैं। मतलब एक हार्ट नया बनता है, एक लीवर नया बनता है, एक किडनी नई बनती है, ये सब नए बनते हैं। तो क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन मार्क आता है कि फिर वो डिजीज्ड सेल्स वापस क्यों नहीं बनते? एक बार किडनी फेल हो गई तो नई किडनी बनती है, तो डिजीज से वापस क्यों डिजीज होते? तो उसका रीजन क्या है? फिलोसॉफिकल साइंस ने बताया है कि हमारे मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरी में वो जो सेल्स डेड हो चुके हैं उसकी मेमोरी फीड हो गई, तो वो मेमोरी में डिजीज सेल ही बनाता है, नए सेल बना नहीं पाता। कैंसर हो गए, सेल्स अगर डैमेज हो गए तो हमारी मेमोरी में वो डेड सेल दे दिए है, जिससे नया सेल जो बनता वो भी डेड सेल बनता, इसीलिए बीमारी जड़ से नहीं जाती। तो उन कर्मों को निकालने की कोई तो मेथडोलॉजी होगी, तो हमारे शास्त्रों ने बताया है कि अगर आपने उन कर्मों की, उन मेमोरीज को, उन यादों को जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिटेड है उसको अगर आप निकाल पाए, तो फिर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम बन के नहीं रहेगा, क्योंकि सारी मेमोरी, जैसे बचपन से ये मत करना, वो मत करना, ये नहीं कर, ऐसा नहीं कर, बचपन से लेके बड़े होने तक हर बार नेगेटिव सुने ना, तो मेमोरी जमा हो गई। किसी दोस्त ने धोखा दे दिया तो दोस्ती से नफरत, किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया तो पार्टनरशिप से नफरत, बिजनेस में फेल हो गए तो मेमोरी, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, किसी काम में फेल हो गए, मैं कुछ काम का नहीं, किसी ऑफिसर ने बोल दिया तेरे को तो अक्ल ही नहीं है, तो मेमोरी में आ गई कि मेरे को सच्ची, मेरे अंदर को नेगेटिविटी है। तो हम लोगों ने खुद की नेगेटिविटीज को डिपॉजिट करके रखा है और सब डिपॉजिशन यहां पे है, और आपको ये पूरे प्रोसेस में, मैं डीप अवस्था में, मतलब आप अल्फा स्टेज पे रहोगे, अल्फा स्टेज पे मैं आपको यहां लेके जाऊंगा, आपकी फिजिकल बॉडी से आपके प्राणमय कोष तक, वहां से आपके मनोमय कोष तक, और आप यहां पहुंचोगे। यहां जब पहुंचोगे वो पूरे प्रोसेस में मैं आपको लेके जाऊंगा, आप डीप में रहोगे, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, आपको सिर्फ कमांड फॉलो करना है, और उस वक्त जब आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाओगे तो आपको मेमोरीज के ब्लैक पार्टिकल्स दिखेंगे, ब्लैक पार्टिकल्स के रूप में डिपोजिशन दिखेंगे, वो सिंबॉलिक है, और आपको उनको रिमूव करना है, रिमूव करना है आपको उस चीजों को। जब आप रिमूव करोगे, रिमूव करने के बाद जब आप एकदम क्लीनली पाओगे, तब आपको प्रोसेस से वापस आना है। और मैं आपको इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपने पावरफुली इस प्रोसेस को कर लिया तो जिंदगी में आज तक जितने भी सदमे आपके पास है और जितना भी रुकावटें आपकी लाइफ में है, जो भी प्रेशर आपके लाइफ में है, जो भी स्ट्रेस आपके लाइफ में है, वो आज के आज ही खत्म हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और कईयों के साथ में है। इस प्रोसेस में बहुत कुछ होता है, मैं आपको बता दूं, इस प्रोसेस में आपके अंदर की, जब जिस वक्त आप वो इरेजिशन, मतलब इरेडिकेशन के लिए जाते हो, इरेज करने जाते हो, उन चीजों को निकालने जाते हो, तो आपके इमोशंस और ब्रेक होते हैं, मतलब आपके अंदर की, क्योंकि यादें ताजा होती है, आप तो डीप पे रहोगे, आपको तो पता भी नहीं होगा आप क्या कर रहे। जब वो इमोशंस बाहर निकले तब उस इमोशंस को रोकना नहीं, क्यों इमोशंस में क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। वो इमोशंस में हो सकता है आप रो, पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त किसी भाई ने धोखा दिया था, या किसी माँ बाप ने गाली दे के बाहर निकाल दिया था, या किसी वाइफ ने धोखा दिया, या जो भी आपके दिमाग में डिपोजिशन है, उन मर्मों को आप टच करोगे तब आपके साथ इमोशंस आउटब्रेक होगा। और इमोशन हो सकता है चीखने की इच्छा हो सकता है चिल्लाने की इच्छा हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप डीप में रहोगे, लेकिन उस वक्त आने वाले इमोशंस को रोकना नहीं। आपका ये हॉल है, सबके सब डीप में रहोगे, सबकी आंखें बंद होगी, सीखना आपको है, करना आपको है, मुक्त आपको होना है,
मेरी बात मानोगे दिल से करोगे तो बीमारियों के जो डिपोजिशन है ना, जितनी बीमारियों की डिपोजिशन है, वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, एचआईवी हो, जो भी डिपोजिशन है, कैंसर हो, टीबी हो, वो बीमारियों की डिपोजिशन भी वही है जिसकी वजह से वो बीमारियां आपको रुकावटें बन के रखी है, वो उसको भी रिलीव करने का आपको मौका है। मतलब उन चीजों को आपको निकालना है, आपके अनसक्सेसफुल होने के रीजंस को निकालना है। अगर आपने उन चीजों को निकाल दिया तो आप फ्री हो जाओगे। मैं और आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बता दूं एक चीज और, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ विजुलाइजेशन टेक्निक को आसान करने के लिए बता रहा हूं कि मैंने जैसे आपसे बोला कि हर चीज जो भी हम लोग विचार करते हैं, जो विचार करते हैं वो हमारा वायु मीडिया, हमारी बॉडी एनर्जी बॉडी, हमारी बॉडी एनर्जी बॉडी है। उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं तो फिर आपको जल्दी समझ में आएगा। हमारी बॉडी जो बनी है, हमारी बॉडी किससे बनी है अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी बनी हुई है ऑर्गन से, हमारी बॉडी बनी हुई है ऑर्गन से। ऑर्गन कौन से? लीवर, स्प्लीन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, किडनी वगैरह। अब मैं आपको समझाने के लिए हार्ट लेता हूं। अगर हम हार्ट को डिसेक्ट करते हैं और डिसेक्ट करते हैं तो क्या निकलता है फाइनल पार्टिकल? सेल्स। मतलब हर ऑर्गन सेल से बना हुआ है, आप समझ रहे हो ना। और सेल्स को और डिसेक्ट करोगे, और डिसेक्ट करोगे तो क्या मिलता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी। मतलब हमारी बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी एनर्जी बॉडी, आप समझ रहे हो ना। अगर इसको पार्टिकल कर डालो पूरा, जैसे जब हमारी बॉडी बर्न कर देते हैं तो एनर्जी यूनिवर्स में चली जाती है, जिसको बोलते आत्मा विलीन हो गई, तो हमारी बॉडी पूरी की पूरी एनर्जी की बनी हुई है। और एनर्जी का नियम है जो आइंस्टाइन ने हमको सिखाया था, आपको याद होगा तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला आइंस्टाइन ने हमको फॉर्मूला दिया था E is equal to mc square, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मास। m इज व्हाट? मास। m इज व्हाट? मटेरियल। जैसे ये प्रोजेक्टर क्या है? मटेरियल। अब इसको टुकड़ा करोगे, एकदम बारीक टुकड़ा करोगे तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। आप लैपटॉप का बारीक पीस करोगे तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मतलब टेबल को तोड़ो, जितनी भी लिविंग चीजें हैं और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें, इन सबको ब्रेक कर डालोगे ना तो फाइनल पार्टिकल क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मतलब एनर्जी, मतलब ये भी एनर्जी का बना है, ये भी एनर्जी का बना है। और जब दोनों एनर्जी के बने हैं तो अगर जिंदगी में सक्सेस लेना है तो सिर्फ एनर्जी को मैच करना है, फ्रीक्वेंसी मैच करना है। जैसे अगर आप रेडियो सुनते हो तो 91.7 लगाया तो क्या आता, या 92.7 लगाया, जो भी चल रहा है, या टीवी देखते हो तो जैसे बटन दबाओगे जी न्यूज, स्टार टीवी, सोनी टीवी, तो कैसे होता है? कहीं ना कहीं तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, मतलब एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। जैसे मोबाइल पर हम बातें करते हैं तो जो नंबर लगा वही लगते ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो चीजें मिलती है, क्योंकि ये साइंस ने बताया। साइंस ने क्या बोला? एनर्जी इज इक्वल टू मटेरियल। अब एनर्जी बनती कहां से? ये 5 मिनट का चीज आप जरा समझ लीजिएगा। एनर्जी बनती कैसे है हमारे बॉडी में? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्रिएट हुआ तो एनर्जी क्रिएट होगी, और वाइब्रेशन किससे बनता है हमारी बॉडी में? विचारों से। हमारे विचार वाइब्रेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बताता हूं कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम तो जानते हो बराबर। अब अगर मैं अपने मन में विचार लाऊंगा और इसको बोलूंगा रुक जा, अब इसको बोलूंगा हाँ बोल, मतलब मेरे विचार क्या है? टेल यस। ये घूम के फिर कहाँ आ जाएगा? अगर इसको बोलूंगा नहीं, स्टॉप इट, और फिर इसको बोलूंगा ना बोल, ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे विचार वाइब्रेशन के रूप में मेरे हाथों में आ रहे हैं और ये वाइब्रेशन यहां, मतलब आपके विचार वाइब्रेशन है, आपके विचार वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी बनाता है और एनर्जी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बनाता है। ये पूरा संसार का नियम है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। नोटों में भी एनर्जी है, वो भी तो नॉन लिविंग चीज है, बराबर है। अब अगर आप बोलोगे
ये पैसा मेहनत से आता है। तो आपके विचार क्या है? पैसा मेहनत से आएगा, वाइब्रेशन किसके बनेंगे? मेहनत के। मैंने बस क्या होगा, पैसा झाड़ पे नहीं लगता, वाइब्रेशन क्या बनेगा, वो आपके लिए कभी झाड़ पे नहीं लगेगा। एनर्जी मैनिफेस्ट होगी ना, मटेरियल। ये तो सी स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, तो स्पीड बढ़ाने के लिए। मैं खाली याद कर रहा हूं, मैंने आपको सदर एग्जांपल दिया कि 2 लाख रुपए आपने अकाउंट में रखा है और आपने विचार किया मेडिकल इमरजेंसी में काम आएगा, विचार क्या क्रिएट किया, वाइब्रेशन क्या क्रिएट हुई, क्या हो गया, घर में कोई बीमार पड़ गया। आप समझ रहे हो ना, जो भी आप विचार करते हो, चार औरतें अगर बात करते रहे, दो को कमर दर्द है तो आपस में अपनी शेयर करती ना, मतलब खूब दुख तो है कमर, आजकल भयंकर त्रास है, और बाकी दो नॉर्मल है, सो रही है, तो उनके विचारों में क्या आएगा, मतलब खूब कभी कभी त्रास वाला। वाइब्रेशन क्या क्रिएट होगा, एनर्जी क्या बनेगी, आप समझ रहे हो ना, मतलब आप जो भी विचारों में लाते हो उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वाइब्रेशन ही एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब हमारे शब्द ही हमारी एनर्जी है। हम बोलते हैं ना हमारा शब्द ही वर्ल्ड है, तो ये वर्ल्ड है, तो ये एनर्जी, मतलब पूरी बॉडी एनर्जी की बनी हुई है, और ये एनर्जी ही पूरे प्रोसेस को, और सी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब अगर इसको फास्ट करना इजी इक्वल टू, ये तो समझ गए, लेकिन अगर एनर्जी को तुरंत कन्वर्ट करना है तो सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है, लाइट। और हमारे यहां सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन। तो अगर आप सन को पिक्चराइज करो और सन को विजुलाइज करो तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी एनर्जी इमीडिएटली मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पूरे प्रोसेस में हमको वही करना है, मैं आपको खाली प्रोसेस सिखा देता हूं, थियरी समझा दिया मैंने आपको, इसमें क्या करना है आपको, आपको पूरे के पूरे विजुलाइजेशन की टेक्निक में जाना है, उसकी मैं आपको सीधी दिखा देता हूं, तो आप जल्दी समझ जाओगे। उसी क्रम में फैल रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है, मानो मैं ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। मेरे ख्याल अंत दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। ध्यान से सुनना उस वर्ड को, क्योंकि पूरे प्रोसेस में आपको करना है कि दिमाग जो सोचता है बॉडी वही करती है, और उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि उन्होंने रेसर को इंस्ट्रूमेंट लगा के, बायोमेट्रिक मीटर लगा के, उन्होंने पहले तो रोड पे दौड़ने को बोला, तो उनकी मांस की एक्टिविटी का उन्होंने वाइब्रेशन चेक किया, और फिर एक जगह बिठा के आंखें बंद करके उनको रेस दौड़ने को बोला। आप समझ रहे ना, तो रेस दौड़ने को बोला, तो उन्होंने क्या देखा कि मसल्स की एक्टिविटी एग्जैक्टली सेम है, मतलब दिमाग ये भेद नहीं करता कि वो एक्चुअल में हो रहा है या, तो मैंने आपको क्या बोला, पंचकोश में आपको कल्पना करना है, मैं आपको लेके जाऊंगा कि आपको कल्पना करना है कि आपने जो डिपॉजिट किए ब्लैक पार्टिकल्स बचपन से लेके आज तक नेगेटिविटी, उसको आपको इरेज करना है, आपको उसको निकालना है, उसको आपको, तो दिमाग को बता रहे हो कि मैंने निकाल दिया, तो बॉडी तो एक्सेप्ट कर लेगी ना, आप समझ रहे हो क्या बता, और इसके लिए आपको कल्पना करना है, कल्पना शक्ति जितना पावरफुल रहेगी उतना प्रोसेस पावरफुल होगा। और एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आपको वो प्रोसेस में मदद करेगा, फिर मैं आपको प्रोसेस कराता हूं। ये अपनी पृथ्वी है यूनिवर्स में, ये एनर्जी सोर्स है जो यूनिवर्स के अंदर दिख रहा है ना, तारा मंडल्स हो गए और ऐसे कई आकाश गंगा है जो एनर्जी के सोर्स है, वो
पास है एनर्जी, ये अपनी पृथ्वी है यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड के अंदर, ये सूरज है जो हाईएस्ट एनर्जी का सोर्स है यूनिवर्स के लिए, ये सारी एनर्जी ये पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये सारी एनर्जी जो यूनिवर्स में आती है वो पृथ्वी पे आती है, अपनी पृथ्वी पे आती सारा एनर्जी यूनिवर्स से पृथ्वी पे आता है, और जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो आप यूनिवर्स से एनर्जी लेते हो और वो एनर्जी आपके अंदर आती है। तसंच दिवसभरामध्ये संपूर्ण माती बाजूला काढण्याची संध्या